गाइस, आज बनाते हैं दाल का दूल्हा और करारे आलू। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो बुजुर्ग लोग के हाथ की ही अच्छी लगती हैं, तो ये मेरी नानी माँ जी की रेसिपी है। तो चलिए आज फटाफट से बनाते हैं उनका सिखाया हुआ दाल का दूल्हा और करारे आलू। चलिए फटाफट से, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल फूड में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी अरहर की दाल, बहुत से लोग इसको तुअर की दाल भी बोलते हैं, तो इस तरह से ले लिया है। और इसको मैंने लगभग 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है, क्योंकि बाजार का दाल है तो इसको आपको अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो अच्छे से धोने से वो निकल जाते हैं। अब इसके बाद दाल को जब भी आप बनाइए तो उसको थोड़ी देर आप भिगा के रखिए, उसके बाद बनाइए। क्योंकि एक तो बहुत सारी यूरिक एसिड की जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि दाल से होती हैं, तो इस तरह से मैंने दाल को धो लिया है और भिगा के 10 मिनट रख दिया था। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। जैसे मैंने एक कटोरी दाल लिया है तो 4 कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसको मुझे पकाना है। 4 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। अब इसके साथ ही साथ मैं डालूंगी लगभग 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सारी चीज़ों को मैंने 4 सीटी आने तक पका लिया है, और उसके बाद गैस बंद करके उसको ठंडा होने दिया है। देखिए ठंडा हो गया है मेरा कुकर, दाल मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, ये पक गई है। चलिए अब फटाफट आटे का डो लगा लेते हैं। एक कटोरी मैंने आटा लिया है, उसको सॉफ्ट सा डो बना के 10 मिनट के लिए रख दिया है। डो मेरा बिल्कुल अच्छे से देखिए हो गया है रेडी। अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाऊँगी, इस तरह से इस बड़ी साइज़ की बनाइए, और इस सारी गोलियाँ लगभग जैसे आप पूरी बनाते हैं उस साइज़ में लेना है। आपको जितनी भी गोलियाँ बनानी हो तो आप इस तरह से सारी गोलियाँ पहले बना के रख लीजिए। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी ये वाली। अब देखिए इस तरह से मैंने सारे पेड़ों को बना लिया है, अब मुझे इनको बेलना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इक्वल साइज़ में इसको मुझे इस तरह से पूरी के शेप में इसको बना लेना है। ये देखिए ये बन गया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको फोल्ड कैसे करना है। इसके लिए आप पहले दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लीजिए, और दोनों साइड्स को इस तरह से सेंटर में मिला दीजिए, फिर तीसरे साइड का भी ऐसे सेंटर में मिला दीजिए, फिर ये चौथे साइज़ का भी मिला के इसको चारों को अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये देखिए कितना क्यूट सा मेरा ये रेडी हो गया है। चलिए एक आपको मैं फटाफट से और बना के दिखा देती हूँ। पेड़ा लीजिए, और आप जैसे आप पूरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप बेल लीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों से पकड़ के सेंटर में मिला दीजिए, फिर तीसरे साइड का भी उठा के सेंटर में मिला दीजिए, और चौथे साइड का भी उठा के सेंटर में मिला के इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके फिक्स कर दीजिए। इस तरह से आप सारे दोनों को बना लीजिए। ये देखिए सारा रेडी हो गया है। अब फिर से मैं दाल को बॉयल होने रख देती हूँ। देखिए पहले ये बॉयल हो जाएगा तभी मुझे इसमें डालना है। देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है, इतना ही पतला चाहिए मुझे। और अब मैं जितने बना के रखी हूँ वो सारा इसमें मैं डाल देती हूँ। गाइस एक बार ये बनाकर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रेसिपी है। आपका कभी कभी कुछ खाने का हल्का मन करता है तो ये ज़रूर बना के खिलाइएगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक भी होता है। घर में कभी कभी कुछ इस तरह से सादा सादा बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस तरह से मैंने सारे डाल दिए हैं, और बिल्कुल इसको अब मैं एक बॉयल आने देते हैं। बॉयल मेरा आ गया है देखिए, और उसके बाद मैं गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और उसमें कवर लगा दूंगी। इस तरह से लगभग 3-4 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में आप इसको पकने दीजिए। और अब खोल के चेक कर लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा ये तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। इसके लिए मैं तड़का लगा लेती हूँ। एक कटोरी में देसी घी डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही साथ डाल दूंगी मैं हींग, लगभग 1/2 चम्मच इसमें हींग डाल दिया है, और साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको मैं डाल के उसका तड़का लगाऊंगी। इसे बहुत ही ज़्यादा सौंधा बनाता है। और लगा के थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है, और फिर इसको फटाफट से मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ।
और उसके ऊपर ऐसे तड़का लगा लीजिए। इसको गरम गरम खाइए, इसका स्वाद ही बहुत ही ज़्यादा निराला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी एक करारे आलू, क्योंकि इसके साथ वो बहुत टेस्टी लगता है। आलूओं को मैं जैसे फिंगर्स चिप्स बनाते हैं उस तरह से ऐसे पतले पतले स्लाइस में मैंने काट लिया है। लगभग 2 बड़े आलू लिए थे, काट लिए हैं। उसके साथ 2 हरी मिर्च, 5-6 कलियाँ लहसुन की, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच काली मिर्च। अब मैं लहसुन, मिर्चा, जीरा, काली मिर्च को एक पेस्ट बना लेती हूँ। अब मैं पैन चढ़ा दी हूँ, उसमें डालूँगी लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल। और इस तरह से कभी कभी देसी चीज़ बनाइए तो वो सरसों के तेल में ही बनाइए, तो उसका सोंधापन बहुत ही अच्छा आता है। तेल मेरा बिल्कुल गरम हो गया है, देखिए अच्छे से। और गैस को आप बिल्कुल कर दीजिए स्लो, और स्लो गैस पे अब मैं डालूँगी इसमें मेथी दाना। लगभग 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। और अब डालूँगी मैं साथ ही साथ इसमें सूखी लाल मिर्च, हाथों से इस तरह से तोड़ के आप डाल दीजिए। और इसके बाद अच्छे से इसको धीमी आंच में थोड़ा सौंधापन आने तक भून लीजिए। कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं आलूओं को इसमें डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये सब्जी बनती है। इस तरह से देखिए आप बनाइए। कभी कभी आप इसको पराठों के साथ भी घर में बना सकती हैं, रोटी के साथ, बच्चों को टिफ़िन में भी ऐसा आलू की सब्जी दे सकती हैं। चलिए इसमें मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी, और साथ ही साथ डाल दूंगी अपने स्वाद के अनुसार नमक। और लगभग इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद इसको सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसमें कवर लगाना है। और इसको बिल्कुल धीमी आंच में 2 से 3 मिनट लगेंगे, आलू बिल्कुल आपके पक के रेडी हो जाएंगे। चलिए 2 से 3 मिनट हो गया है, खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये कलर आ गया है। अब मैंने जो एक पेस्ट तैयार किया था जीरा, काली मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च का, वो अब मैं डाल दूँगी। अब इस लेके सारा मैंने डाल दिया है। अब मुझे इसको कवर नहीं करना है, बिल्कुल इसको इसी तरीके से खुली आंच में लगभग 2 से 3 मिनट और भून के अच्छे से इसको करारा कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सी आपकी करारे आलू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है। साथ ही साथ मेरा दाल का दूल्हा करारे आलू गजब का कॉम्बिनेशन है। प्लीज़ गाइज आप सभी कॉमेंट ज़रूर करके बताइए।